उसका कोई शरीक नहीं, किसी नौ में उसका कोई शरीक नहीं, वो पैदा करने वाला भी वही, निजाम चलाने वाला भी वही, हमें सेहत देने वाला भी वही, हमें बीमारी देने वाला भी वही, हमें शिफा देने वाला भी वही, हमारे नुकसान को हमको गुजाइन में उपजा करने वाला भी वही, हमें फायदा पहुंचाने वाली चीजें और हमारी नफा की चीजें देने वाला भी वही, वो हमारी मुश्किलें वो हमारे तकाजों को पूरा करता है। इस पर कामिल यकीन होना, हम छोटी छोटी चीजों में सच्ची किताब समझी जाती है, उसको यही बात लिखी है कि हर इंसान
इंसान का, हर मोमिन का ईमान घटता भी रहता है, नीचे उतरता रहता है और बढ़ता भी रहता है। ईमान और ईमानदार से मुताल्लिक हम काम करेंगे, हम उसके तकाज़ों से पूरा करेंगे, हमारा ईमान घटता जाएगा, हमारा ईमान तरक्की करेगा, ऊपर जाएगा, अल्लाह के पास पहुंचेगा, हमारे मरातिब, हमारे मकामात, हमारी हैसियतें अल्लाह के पास बुलंद और ऊंची हो जाएगी। अल्लाह की नाफरमानी, ईमान के तकाज़ों के खिलाफ करेंगे, हमारा ईमान उतरता जाएगा, घटता जाएगा, नीचे जाएगा और फिर हम अल्लाह के यहाँ भी गुजारे जाएंगे, लोग भी हमको गुजार देंगे। ये दीवार की दो बातें, एक अल्लाह के रसूल के तवस्तु से हमको जब मिली, पहली चीज अल्लाह अल्लाह के रसूल के तवस्तु से वास्तव से जितनी करने की बातें हमें मिली हैं, उन तमाम बातों को अपनी जिंदगी में सही तरीके से उसी एहसास के साथ कि मैं अल्लाह का हुक्म अदा कर रहा हूँ, इस अमल पर मुझे सवाब मिलने वाला है, इस नियत के साथ, इस एहसास के साथ उन अमल को करूँ। अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बताई हुई बातों को अपनी जिंदगी में लाने, अल्लाह अल्लाह के रसूल ने क्या बातें बताई करने के अतिबार से, अल्लाह का हुक्म यही है कि हम अल्लाह को हकीकत में वहदहू ला शरीक समझकर, वो एक ही इतना ज़ात है, उसका कोई शरीक नहीं, किसी मामले में उसका कोई शरीक नहीं, किसी हैसियत से उसका कोई शरीक नहीं, किसी नौ में उसका कोई शरीक नहीं, वो पैदा करने वाला भी वही, निजाम चलाने वाला भी वही, हमें सेहत देने वाला भी वही, हमें बीमारी देने वाला भी वही, हमें शिफा देने वाला भी वही, हमारे नुकसान को हमको गुजाई में उपजा करने वाला भी वही, हमें फायदा पहुंचाने वाली चीजें और हमारी नफा की चीजें देने वाला भी वही, वो हमारी मुश्किलें, वो हमारे तकाजों को पूरा करता है। इस पर कामिल यकीन होना, हम छोटी छोटी चीजों में हर